नमस्ते। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है, वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते तीन दिनों में लगातार हम साथ रहे, बहुत सारे विषयों पर हमारी खुलकर के बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, इन तीन दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला
भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रोन, गूगल, एप्लाइड मटेरियल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रोन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टिमिस अकॉर्ड साइन किया है वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। नासा के साथ मिलकर स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए नासा द्वारा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इसलिए मैंने कल कहा, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है।
together we are not just forming policies and agreements, we are shaping lives, dreams and destinies. साथियों, आप में से बहुत सारे लोग यहां बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं. यहां आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है. और इसलिए आपकी सहूलियत ये भी भारत की प्राथमिकता है. आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है. इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे. अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो. देखिए, शुरू हो गया. आप लोग पक्का कर लीजिए. और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं. साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी. अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा. इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है. इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है. साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश UN हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं.
आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है साथियों? ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। ₹140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों Tier 2, Tier 3 शहरों में लिखी जा रही है, छोटे छोटे शहरों में। संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे। वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप
अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई ना कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट, भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या। ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां नाम, बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे यंग एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी
अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मैटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना कि दुनिया की, मानव जात की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और वह हमारी भाषा है। ये गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे पहली पुरानी भाषा होने का गर्व हमारे पास है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी, और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच
रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। इस पार्टनरशिप में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमिका को निभाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका ये भरोसा, आपका विश्वास मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। आप सब दूर दूर से आए, आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं, तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।